नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद लिखना भी एक कला है। इसमें गागर में सागर भरने की कहावत को सच करना पड़ता है। अनुच्छेद लेखन से हमारा शब्द भंडार बढ़ता है, साथ ही इसमें हम अपनी कल्पनाओं को शब्दों के माध्यम से सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले दिए गए बातों पर विचार करें। 2, अपने विचारों को क्रम से लिखिए। 3, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। 4, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। 5, सभी वाक्यों का आपस में तालमेल होना चाहिए। 6, अनावश्यक बातें न लिखें। 7, अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाने के लिए कहीं कहीं हम मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। 8, अनुच्छेद में कोई भूमिका नहीं लिखी जाती है, बल्कि सारा विषय एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। 9, अनुच्छेद अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। मेरा प्रिय मित्र, इस विषय पर एक अनुच्छेद देखेंगे। कमलेश मेरा प्रिय मित्र है, वह मेरे पड़ोस में ही रहता है। हम दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, हमारी कक्षा भी एक ही है। हम दोनों एक साथ विद्यालय जाते हैं। वह बहुत होशियार और मेधावी छात्र है। खेल कूद में भी वह हमेशा आगे रहता है। हम दोनों साथ साथ पढ़ते हैं और साथ खेलते हैं। पढ़ाई लिखाई में हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं उसे अपने मित्र के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ। बच्चों, आपने देखा कि इस अनुच्छेद में हमने अनुच्छेद लिखने के प्रायः सभी नियमों का पालन किया है। हमें यकीन है कि इस पाठ को आपने ठीक से समझ लिया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।